मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि शहर में हो रहे जाम को देखते हुए वाहन पार्किंग स्थलों की संख्या को बढ़ाया जाए, शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगवाया जाए जिससे पता चल सके कौन सा व्यक्ति किस गाड़ी में बैठकर कहां जा रहा है और कोई अपराध करके कहीं जा रहा है तो पता चल सके। उन्होंने कहा अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। वहीं इस संबंध में आरटीओ अनीता सिंह ने जानकारी देते हुए कहा शहर में ई रिक्शा संचालन के लिए 19 मार्गों का चयन किया गया व उसी रूट पर चलेंगे जिससे जाम नहीं लगेगा, जिसके लिए बैठक की जा चुकी है। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि वह अगर एक ही मार्ग पर चलेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे और किस्त की भरपाई नहीं हो पाएगी, जिसके लिए शासन से मार्गों में व्यवस्थित करने के लिए लेटर आ चुका है, जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई ई रिक्शा चालक अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि चौराहों पर ज्यादा वाहन खड़े होने से और सवारी भरने से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एआरटीओ श्यामलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मेरे लिए हम लोगों ने सेंटर मंगाने के लिए बोला था, इनसे इनको हम लोगों ने दो तीन बार से लेटर भी भेज दिया था, अब सर उनको बुलाया है कि अपने देखिए कम से कम जो भी ट्रैवल करके आए हुए हैं वो या तो एक टैक्सी का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए फला लोग आए हुए थे और फला गाड़ी में बैठे उसकी ड्राइवर का नंबर ये है, वो ड्राइवर का फोटो ये है, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए। वो क्योंकि यहाँ आने वाले कुछ लोग कुशीनगर जाएंगे, कुछ लोग महाराजगंज जाएंगे, किसी भी गाड़ी में बैठ के गए हुए हैं, कोई हमें पता नहीं चलेगा तो काम दिक्कत होगी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। वो जो सामने वाले जो जो सरकारी जमीन है, मैंने कहा भी था कि वो 10 एकड़ की जमीन है, वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था आपको आप लोग मिल करके कर देना चाहिए। एमपी इसको टॉप प्रायोरिटी में ले लीजिए, कल कोई प्रॉब्लम होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, मेरे आगे के लिए हम लिख देंगे। ठीक है, सामने ही सर रेलवे की लैंड है सर, वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे सर हम लोग ओपन। सही सही ये कह रहा हूँ, टेंडर का प्रक्रिया आप कर लीजिए ना, कोई भी एजेंसी आएगा यस सर उनको तो हमें पूरी पता चलेगा कि वो कौन सी गाड़ी में बैठ के गए, और कल कोई शिकायत करेगा कि साहब वो आए थे और हमें पता नहीं है अभी कहाँ पर है, तो फिर आप क्या करेंगे सर? इसमें ये है सर, क्योंकि लैंड जो है सर हमारे अभी है ना, इसको जिम्मेदारी सौंप दीजिए, सिर्फ हम उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, मैं टाइम करवा लेता हूँ। yes, आप मैडम आप उसका वो दे दीजिए, लीड दे दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, कि कर लीजिए, इनके तरफ से जो मदद आपको चाहिए वो हम लोग दे देंगे। बहुत दिन हो गया, एक साल हो गया, तो जल्दी होना चाहिए। साथ ही रखने का सर हम लोग वैसे ही चल रहा है सर। कुछ रेट्रोफिटमेंट वाले सर पिछली बार आए थे 4 लोग, उनको हम लोगों ने सशर्त 3 साल के लिए पालिका पत्र दे दिया है सर। बिंदु संख्या 3 है सर, बिंदु संख्या 4 में है कि जो ई रिक्शा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए हम लोगों ने मार्गों को जो है 19 मार्गों के लिए निर्धारित किए थे, और इसके सापेक्ष हम लोगों ने इनसे 2-3 बार सर मीटिंग कर ली है, और एक बार तो सर एसपी ट्रैफिक के साथ भी हमारी सब मीटिंग हुई थी, पर उन लोगों को अपनी समस्या ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्ग में चलेंगे, छोटे मार्ग होंगे, तो हम लोगों का भरपाई नहीं हो पाएगी, हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे और हम लोगों का जो है। लेकिन सर ये जरूरी है, हमारे प्रमुख सचिव का भी लेटर आ चुका है कि उनको मार्गों में व्यवस्थित करना आवश्यक है सर। ठीक है, नहीं फॉलो करेंगे तो आप चलने मत। ठीक है सर, ये मैसेज न्यू वेलकम मारुति मेडिकल कॉलेज के हैं, बिंदु संख्या 5 पे सिटी बसें हैं सर, उसका स्टैंड निर्धारित किया गया था, 14 मार्ग थे सर, उसमें 7 स्टैंड का पुनर्निर्धारण किया गया था, और जैसे स्टैंडर्ड रूट के सामने रेलवे स्टेशन के सामने पाया गया है सर। सर दो कई जगह तो हो रही है सर, ज्यादा हो रही है तो रोकने के लिए इसके अलावा और आपके पास कोई रास्ता तो नहीं है?